सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे और इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन का रिजल्ट काफ़ी नज़दीक है, उसका मार्केट बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी, अभी मार्केट कैसे चल रहा है अभी। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं निफ्टी के, पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, निफ्टी क्या लग रहा है और इलेक्शन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखिए ये जो निफ्टी 50 का जो चार्ट है, ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट बेसिकली ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस पर अगर ड्रॉ करते, यहाँ पे आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये हमको रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है, एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, और ये 22,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक बात आप गौर करिए कि निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ है और बैंक निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, कैसे वो चलिए देखते हैं। तो निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, बेसिकली निफ्टी भी एक किस में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है, और वो ये रेंज ये है। ठीक है, ये रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, और जो हमारा जो बैंक निफ्टी है वो भी एक रेंज में फंसा हुआ है। अब बैंक निफ्टी रेंज में, बैंक निफ्टी बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ इसको, ये एक चैनल में फंसा हुआ है। ठीक है, ट्रेंड लाइन चैनल जो होता है उसमें फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो चैनल है हमारा, ये जो चैनल है इसमें बैंक निफ्टी फंसा हुआ है और बहुत दिन से फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बहुत दिन से इसी में फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है ना, वो जो बैंक निफ्टी और निफ्टी तभी मूवमेंट करेंगे जब एक बार इलेक्शन का रिजल्ट ख़त्म हो जाए। जो मार्केट के लिए भी जो बिगेस्ट फियर है वो है इलेक्शन का रिजल्ट, कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, बैंक निफ्टी निफ्टी में तो कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, लेकिन जो जो मोमेंटम जो इंडाइसेस में जो हैवी इंडाइसेस है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, उसमें कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, वो एक रेंज में फंसा हुआ है, निफ्टी एक पैरेलल लाइन के रेंज में फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी भी एक चैनल में फंसा हुआ है। तो ये चैनल तभी फटेगा या फिर जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि एक जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो एक बड़ा ब्रेकआउट या फिर बड़ा ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो उसी में हमको जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो उसी में हमको बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट। बिकॉज अब देख रहे हैं कि जो ये निफ्टी है हमारा, ठीक है, ये जो निफ्टी है, निफ्टी यहाँ पे बेसिकली क्या बना रहा है, यहाँ पे निफ्टी, अब देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया है। ठीक है, निफ्टी यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और मार्केट आया और एक वी रिकवरी करके ऊपर गया, वी टाइप वी से रिकवरी करके ऊपर गया। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारा जो ये ऊपर गया मार्केट इतना, ये बहुत ही डिसेंट मूव या फिर बहुत ही बोरिंग मार्केट था ये, मतलब उतना धीरे 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 मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो ये बेसिकली वोलाटाइल मार्केट है और इसमें कुछ उतना खासा हमको मोमेंटम नहीं मिला। अच्छा मोमेंटम निफ्टी में कब मिलेगा, जब ये, अब देखिए अच्छा मोमेंटम कब मिलेगा निफ्टी में, जब ये जैसे ये एक रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, अच्छा मोमेंटम तब मिले जब यहाँ पे मार्केट वेट करे। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन मार्केट इधर ही वेट करे और इलेक्शन का रिजल्ट आए, उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, या फिर जो बहुत बड़ा जो ये नीचे का सपोर्ट है इसको तोड़ के मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्शन का रिजल्ट, इलेक्शन का रिजल्ट कैसा होगा, इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा होगा खराब होगा, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से होगा कि नहीं होगा, तो सब चीज़ उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो एक डेढ़ हफ्ता जो बचा हुआ है, 1-2 हफ्ते जो जितना भी दिन बचा हुआ इलेक्शन रिजल्ट के लिए, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट है, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या उससे पहले मार्केट ठंडा ही रहेगा, कोई मोमेंटम नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी ऑप्शन सेलर जो हैं उनको काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा होगा, बिकॉज जो अभी विक्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो विक्स है, विक्स काफ़ी हाई है। ठीक है, आज विक्स देखा था मैंने, ये बेसिकली 22 पहुंच गया था विक्स, तो विक्स काफ़ी बढ़ चुका है। तो विक्स बढ़ता है तो ऑप्शन के दाम भी बढ़ते हैं, ऑप्शन का जो प्रीमियम था, कॉल पुट बोथ साइड दोनों बढ़ जाते हैं, जिनके कारण ऑप्शन सेलर काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है। बिकॉज मार्केट कहीं जा नहीं रहा है तो ऊपर का कॉल शॉर्ट करेंगे, ऊपर के लेवल पर कॉल शॉर्ट करेंगे, नीचे के लेवल पर पुट शॉर्ट करेंगे, और अगर मार्केट बीच में ही है तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन सेलर को प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। प्रीमियम ज़्यादा क्यों मिल रहा है, बिकॉज विक्स ज़्यादा है। ठीक है, और विक्स ज़्यादा है तो वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत रहती है,
और यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होता है, तो इसीलिए ऑप्शन बायर को अभी थोड़ा सा परेशानी है, बिकॉज वॉलेटिलिटी है और कोई ट्रेंडिंग नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन सेलर को भी डर है बिकॉज वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन सेलर कमा सकते हैं बिकॉज मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब ऑल चीज़ और जितने भी चीज़ें वो सब रिजल्ट पे डिपेंड करता है, रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है, तो उस पे डिपेंड करता है। बट अभी ऑप्शन सेलर जो है वो, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, अगर इस चार्ट की बात करें, तो ऑप्शन सेलर जो है यहाँ पे कहीं ऊपर में ये पिक, यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे, नीचे नीचे के लेवल पर पुट शॉर्ट करेंगे। और मार्केट अगर इसी दौरान, इस मंथ के दौरान इसी में घूमते रहा तो उनको पैसा मिलेगा, थीटा डीके मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा, तो ऊपर के लेवल पे कॉल, नीचे के लेवल पे पुट शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट इसी में रहेगा, और इसी में मार्केट रहेगा तो उनको पैसा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस मंथ कोई मोमेंटम नहीं होने वाला, मोमेंटम अगला मंथ स्टार्ट होगा बिकॉज इलेक्शन का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चल पसंद लगे शेयर करना, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।